नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा लाइव और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पानीपत के समालखा रेलवे स्टेशन से, जहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि महज 13 साल की उम्र के दो बच्चों को, वंशिका और आर्यन, दोनों ही बच्चे होनहार बच्चे और 8वीं क्लास में ये निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन्होंने देश का नाम, प्रदेश का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने गुरुओं का नाम, अपने कोच का नाम आगे बढ़ाया है, और जिनके स्वागत में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं और तमाम व्यवस्थाएं मैं एक बार दिखा दूं कि डीजे से लेकर के फूल मालाएं, अच्छे प्रबंध, तमाम हौसला बढ़ाने के लिए सभी व्यापक जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर की गई हैं, नोटों की माला, और एक फख्र की बात, एक गौरव की बात की किस तरह से हरियाणा के बच्चे अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, और नेताओं की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तमाम लोगों के द्वारा इन बच्चों को शुभकामनाएं दी गई हैं, और गांव करहंस के रहने वाले हैं दोनों ही बच्चे, और सबसे पहले तो बधाई और सिटी तहलका पर कोच से भी बातचीत करेंगे और बच्चों से भी बातचीत करेंगे, साथ ही पूर्व विधायक है भरत सिंह छोकर, वो भी यहाँ पर बच्चों को आशीर्वाद देने, हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले वंशिका, आपको बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं कि अपने जो इंडोनेशिया में गोल्ड मेडल जीता है और अपने माँ बाप का नाम, अपने कोच का नाम रोशन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। मैंने वो 8th वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप इंडोनेशिया में 4th रैंक प्राप्त की है, जिसमें कि गोल्ड वियतनाम और सिल्वर यूएसए और ब्रॉन्ज ऑस्ट्रेलिया का है, और चौथी मेरी रैंक है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किनके साथ था आपका आखिरी जो मैच था? ऑस्ट्रेलिया। क्या था उस टाइम पे आपके मन में, क्या कुछ चल रहा था कि भाई कौन सी वो पल था, क्या दिमाग में आया कि भाई मेरा जो है एक ही पल में हार भी और जीत भी एक ही पल तय करती है, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में उस टाइम? मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं अपना बेस्ट दूं, हारना जीतना तो जिंदगी में लगा रहता। इससे पहले भी आपने कुछ गोल्ड या सिल्वर कोई मेडल जीता है और कहां पर जीता है? हाँ जी, मैंने 5 नेशनल खेले, उसमें मैंने 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज प्राप्त किए हैं, 2 गोल्ड प्राप्त किए हैं खेलो इंडिया में। मम्मी पापा आपके क्या करते हैं? मम्मी पापा कोच हैं वुशु के ही, और वही मेरे को सिखाते हैं। डाइट क्या है आपकी, क्या कुछ खाते हैं आप? कोई बच्चा अगर वीडियो आपका देख रहा हो, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को आपकी तरह तैयार करना चाहता है तो हेल्दी डाइट जो मम्मी पापा देते हैं। मीठा सब कुछ सब कुछ पसंद है जी इसको। चलिए आर्यन से भी बातचीत कर लेते हैं। आर्यन, आपको भी बधाई। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे, और आज आपके स्कूल के बच्चे भी हैं और भी समालखा के लोग हैं, आपके पेरेंट्स भी आए होंगे, जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, आपका स्वागत किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पहला मैच कजाकिस्तान और दूसरा उज़्बेकिस्तान और तीसरा इजिप्ट के साथ था। कितने दिन का टूर था ये हमारा? 10 दिन का टूर था। सब साथ में गए थे? हाँ, इंडिया कोच सब साथ, इंडिया कोच। राजीव जी से भी बातचीत कर लेते हैं। राजीव जी, ऐसे ऐसे बच्चे तराश करके आप भेज रहे हैं, साथ के साथ प्रदेश का नाम भी, देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, किन किनों ने ट्वीट किया है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि दोनों जो बच्चे हैं हमारे, और लड़की ने तो हरियाणा के अंदर और इंडिया के अंदर हिस्ट्री बनाई है, जो पहली लड़की हुई है ऑफिशियल इवेंट में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में लड़का हो या लड़की जिसमें पार्टिसिपेट किया है, ये हमारे लिए, पूरे हरियाणा के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं धन्यवाद करता हूँ वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट श्री भूपेंद्र बाजवा जी और जनरल सेक्रेटरी श्री जितेंद्र बाजवा जी और हमारे सीओ जो विषम पितामह हैं वुशु के, एमएन जी और हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट श्री अनिल विज जी का, जिसने हमारे ऊपर पूरा भरोसा जताया, हमारे बच्चों के ऊपर उनको एक मौका दिया, इन्होंने ट्रायल में सभी खिलाड़ियों को परास्त करके इंडिया टीम में अपना सिलेक्शन बनाया था, अपना स्थान बनाया था, और आगे जाकर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया वुशु की टीम ने, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओवर ऑल सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। डाहर से हैं जोगिंदर नंबरदार, आप भी जानते हैं, बच्चों को जो है अच्छी मेहनत करवाते हैं, डाइट भी देते हैं, बच्चों को बाहर ले जाते हैं,
उनके ऊपर मेहनत करते हैं, उनको निखारते तराशते हैं, वो भी आपको लाइव देख रहे हैं, वो भी वीडियो देख रहे हैं, उनको भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? छोटे छोटे बच्चों को वो 15-15 दिन 20-20 दिन अपने खर्चे पर बाहर लेकर के जाते हैं, खिलाते हैं उनको। जी मैं सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं 5-6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं सुबह और शाम, और हम भी, मैं और मेरे मिसेज दोनों एनएएस कोच हैं वुशू के, और हमारे यहाँ पे 60-70 खिलाड़ी सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं, और सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर हमारे बच्चे खेलते हैं हरियाणा टीम के अंदर और मेडल देते हैं। जो पिछली बार हमारे 5 मेडल हमारे वर्ल्ड के हो चुके हैं, इंटरनेशनल मेडल हो चुके हैं, जो एक साल के अंदर हमारी चांद स्पोर्ट्स एकेडमी, जो हमारे बाऊजी श्री चांद बेलीवाल जी का एक पौधा लगाया था, हम उसका नाम ऊपर कर रहे हैं। हमारे बाऊजी तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मैं अपने बड़े भाई श्री संदीप बेनीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देकर अपना जो पूरा गार्डन है हमें सौंपा हुआ है कि आप आओ और बच्चों को मेहनत करवाएं, और बच्चे दिन रात तीनों टाइम दोपहर को भी धूप छांव कुछ नहीं देखते, बस मेहनत करते हैं। और जी अनुराग ठाकुर जी ने किया है, और हमारे खिलाड़ियों को, वुशू खिलाड़ियों को बधाई दी है, और श्री संदीप सिंह जी ने बधाई दी है ट्वीट करके, खेल मंत्री जी ने, और कल हमारा जो प्रोग्राम है अभी जो होम मिनिस्टर है श्री अनिल विज जी के साथ बच्चों का प्रोग्राम है जो विद्या, और श्री स्पोर्ट डायरेक्टर ऑफ पंकज नैन जी का भी ने भी ट्वीट किया था खिलाड़ियों को कि इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, देश का नाम रोशन किया है। तो अभी हमारी मुलाकात होगी पंकज नैन जी से भी और अनिल विज जी से भी। पूर्व विधायक भी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, रक्षिंग जी आप भी पहुंचे हैं, और आपके समालखा के बच्चे हैं, आपके आसपास के गांव हैं करंस, दोनों बच्चे एक ही गांव के, और महज 13 साल की उम्र में इस तरह की उपलब्धि पाना, किस तरह से क्या देखते हैं? ये वैसे बड़ी खुशी की बात है कि इतनी कम उम्र में इन बच्चों ने इतना महान काम किया है कि हमारे इलाके का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन ऊंचा करने का काम किया है, और इसका श्रेय में कहते हैं इनकी आता है इन्हें कोच साहब को, और जो सुविधा पंगे अपने संदीप जी ने पिताजी ने इनको दी है, इनका भी जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके सरकार ने भी इनको प्रोत्साहित करने का काम किया है, हम भी सब इसीलिए आए हैं यहाँ के इन बच्चों का हौसला बढ़े, हम आगे भी कामना करते हैं और इनको आशीर्वाद देते हैं कि अपनी ऐसी मेहनत करते रहें और हमारा अपना इसका प्रदेश का हमारे इलाके का नाम दिन दुगनी रात चौगनी करके दिखाएं, वो हमारा सबके साथ है। मैडम कुछ फीमेल, हाँ जी, अच्छा चलिए, वंशी का मम्मी भी हैं और कोच भी साथ के साथ, आप कह सकते हैं आप ही इनको तराश रहे हैं, आप ही इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं? यस सर, वंशिका की मदर हूँ, आर्यन की भी कोच हूँ, कोई प्रॉब्लम। थोड़ी देर पहले ना मैं यहाँ पर खड़ा था, उस टाइम पे लाइव नहीं था, वंशिका यहाँ पे नहीं थी, आप ही थे, ये बच्चा था आर्यन, मैंने सोचा आप ही मेडल लेके आए होंगे, लेकिन वंशिका बेटी है, पर आर्यन को भी बेटे से कम नहीं रखा, आर्यन ने नाम रोशन किया, 8 वर्ल्ड वुशू चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ले गया, पहला गोल्ड इसी के ऊपर डिपेंड था, सबसे बड़ी बात ये कि सबसे पहला तिरंगा इसने लहराया, इसलिए प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, और आप बच्चे आप देख पा रहे हैं कि स्कूली जो जिस भी स्कूल में वंशिका पढ़ती है या जिस भी स्कूल में आर्यन पढ़ते हैं, उन बच्चे जो स्कूल के यहाँ पर उनके हौसले के लिए, उनके स्वागत के लिए फिलहाल यहाँ पर समालखा में पहुंचे हैं, और कुछ देर के बाद समालखा के रेलवे रोड से लेकर के जीटी रोड तक ये रोड शो फिलहाल बच्चों के स्वागत में, दोनों ही वंशिका और आर्यन के स्वागत में निकाला जाएगा, तमाम तैयारियां, और ये जो है ओपन जिप्सी जो है यहाँ पर फिलहाल लगा दी गई है, ट्रैक्टर है और अन्य जुगाड़ियां हैं यहाँ, उनकी मुस्तैदी आप देख पा रहे हैं, और कुछ देर के बाद ये काफिला और ये रोड शो समालखा के रेलवे रोड से रवाना कर दिया जाएगा। सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस तरह से छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो किस तरह से देखिए कि माँ बाप तो उन बच्चों पर मेहनत करते ही हैं, साथ के साथ जो कोच उन बच्चों को तराशते हैं, उन पे मेहनत करते हैं दिन रात, उनको जितने भी तमाम कोशिशें हैं, तमाम जो एक्सपर्ट, क्योंकि कोच ही होते हैं वो, दाव पेच जो है सब बच्चों के द्वारा ही उनको सिखाया जाता है। कुछ बच्चे और भी यहाँ पर मौजूद है जो
पीटी करवाते हैं इनको स्कूल के अंदर प्रेयर के बाद में या कोई भी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि जो खेलकूद वाली तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो इसमें शामिल होती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह से बच्चे जो निखर कर सामने आ रहे हैं? हमारे स्कूल के हर साल कोई ना कोई बच्चा जो गेम में निकल के आता है सर, तो हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं स्कूल में भी, और ये बाहर भी जो है कोचों के पास प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ में हमारा जो अनिल सर है, ये भी कोच है। अनिल सर प्लीज क्या बताइए। हाँ सर, हम इनकी मोटिवेट भी करते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं और इनको डाइट प्लान भी बताते हैं, बहुत सारी चीजें इनसे हम शेयर भी करते हैं ताकि ये भारत का भी विषय बने और आगे और अच्छा प्रदर्शन करें। आपको भी ये लगता होगा कि भाई हम भी जो हम जिन बच्चों पे मेहनत करते हैं वो बच्चे अगर मेडल लाते हैं, स्कूल का नाम होता है, कोच का नाम होता है, देश का नाम होता है, तो हौसला आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा कि भाई मैंने जिस बच्चे के ऊपर मेहनत की है वो मेहनत रंग लाई। हाँ, उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और हमें भी हम उससे इंस्पायर होते हैं और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तैयार करें ताकि वो और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते। चलिए, तो फिलहाल यहाँ से इन बच्चों के रोड शो की कुछ देर के बाद रवानगी शुरू हो जाएगी।